हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम लोग पोजीशन पेपर कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी का, जो कि टीचिंग ऑफ सोशल साइंस रिलेटेड है। इसकी एक पहली वीडियो आ चुकी है, आज सेकंड वीडियो बना रहे हैं, जिसमें क्लास 3 to 5 के ईवीएस के बारे में पढ़े। फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों पढ़ाए जाते हैं। और इसमें हम लोग प्राइमरी स्टेज के बारे में पढ़ लिए थे कि प्राइमरी स्टेज पर सोशल स्टडीज़ किस तरह से पढ़ाते हैं, और क्लास 1 एंड 2 में भी सोशल स्टडीज़ किस तरह से पढ़ाते हैं, जबकि इसमें क्लास 1 एंड 2 में सोशल स्टडीज़ की अलग बुक नहीं होती है। लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स के ही ज़रिए बच्चे को सोशल स्टडीज़ से अवेयर कराया जाता है। और उसके टीचिंग मेथड के बारे में भी जान चुके थे कि बच्चे के टीचिंग मेथड जो होती है क्लास 1 टू 2 के लिए, जो प्राइमरी स्टेज के लिए पार्टिसिपेटिव और डिस्कशन ओरिएंटेड मेथड होता है, जिसमें स्टोरी टेलिंग, पेंटिंग, डांस वगैरह बच्चे से कराते हैं। पहले अगर कोई स्टोरी टीचर सुनाते हैं, तो उसके बाद बच्चे से पूछते हैं कि आप इसके बारे में बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 टू 5 के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फॉर दीज ग्रेड्स द सब्जेक्ट इन्वायरमेंट स्टडीज़ ईवीएस विल बी इंट्रोड्यूस्ड एंड विल बी कंस्टिट्यूटेड बाय अ डिस्कशन ऑफ द नेचुरल एंड द सोशल इन्वायरमेंट्स। इस ग्रेड में क्लास 3 से बच्चे को ईवीएस से इंट्रोड्यूस कराते हैं, और इस ईवीएस में जो डिस्कशन होता है बच्चों का, नेचुरल एंड सोशल इन्वायरमेंट से होता है। ठीक है, तो मेंशन कर लेते हैं इसको कि इसमें जो डिस्कशन होता है बच्चे का, नेचुरल एंड सोशल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, इन द स्टडी ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट इम्फेसिस विल बी ऑन इट्स प्रिजर्वेशन एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेविंग इट फ्रॉम डिग्रेडेशन। द फैक्ट दैट द सोशल इन्वायरमेंट इज कंस्ट्रक्टेड बाई ह्यूमन बींग विल बी इम्फेसाइज्ड। इसमें जो होता है, जो फैक्ट होता है सोशल इन्वायरमेंट का, किस तरह से ह्यूमन बींग इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस पर जोर दिया जाता है। चिल्ड्रन विल बींग टू बी सेंसिटाइज टू सोशल इशूज लाइक पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, लिटरेसी, ई लिटरेसी, कास्ट एंड क्लास इक्वालिटीज़ इन रूरल एंड अर्बन एरिया। इस वक्त बच्चे को इन सब चीज़ों से अवेयर कराया जाता है, जो कि लिटरेसी है, सॉरी ई लिटरेसी है, चाइल्ड लेबर है, कास्ट एंड क्लास है, इन इक्वालिटीज़ है, रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के बारे में बच्चे को अवेयर कराया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है इस एज में, जो कि क्लास 3 टू 5 में होता है। तो इसमें नोट करने की बात है कि बच्चे को किन किन सोशल इशूज़ से अवेयर कराया जाता है। ठीक है, अर्बन एंड रूरल एरियाज। द कंटेंट शुड रिफ्लेक्ट द डे टू डे एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर लाइफ वर्ल्ड्स। जो कंटेंट होते हैं वो बच्चे के डे टू डे एक्सपीरियंस से, डेली लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि जो बच्चे नहीं जानते हैं उसके बारे में बात होती है, जो बच्चे के डेली लाइफ में जो बच्चे देख रहे हैं, उस तरह से इस कंटेंट को शेयर किया जाता है इस स्टेज पर। एट दिस स्टेज ऑल कंसेप्ट्स थाउट शुड बी एक्टिविटी बेस्ड। इस स्टेज पे जितने जो भी कंसेप्ट बच्चे को पढ़ाया जाता है वो एक्टिविटी बेस्ड होता है। एक्टिविटीज़ एंड टेक्सचुअल मटेरियल शुड कम्प्लीमेंट ईच अदर। टेक्सचुअल मटेरियल और एक्टिविटीज़ दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एक्टिविटीज़ शुड बी रिलेटेड टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम लोकल सराउंडिंग्स। जो एक्टिविटीज़ होते हैं बच्चे को, वो लोकल सराउंडिंग से रिलेटेड होने चाहिए, ये बताया जा रहा है। ए टीचर्स हैंडबुक शुड बी प्रिपेयर्ड दैट गिव्स क्लियर डायरेक्शन ऑन हाउ टू हैंडल डिफरेंट टॉपिक्स। जो टीचर के हैंडबुक होते हैं बच्चे के लिए, जो जो टीचर के लिए आते हैं कि किस तरह से इस बुक क्लास में या इस चैप्टर में बच्चे को डील किया जाए, उसको में पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि किस तरह कौन किस डायरेक्शन में किस तरह से डिफरेंट टॉपिक्स को हैंडल किया जाए। ठीक है, ये बात कही गई है इस पैराग्राफ में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी का पोजीशन पेपर पेडागोजी के लिए। ठीक है, अब आते हैं अपर प्राइमरी स्टेज पे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग द सोशल साइंस एट द अपर प्राइमरी स्टेज आर। अब अपर प्राइमरी स्टेज पर सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव्स जानते हैं कि क्यों पढ़ाया जाता है। टू डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अर्थ एज द हैबिटेट ऑफ ह्यूमन काइंड एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इस स्टेज में बच्चे के अंडरस्टैंडिंग को
डेवलप करने के लिए जो अर्थ से रिलेटेड होती है, जो हैबिटेट होता है उससे, और ह्यूमन काइंड से रिलेटेड होती है। टू इनिशिएट द लर्नर इनटू अ स्टडी फॉर हर इज ओन रीजन्स स्टेट एंड कंट्री इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट। जो बच्चे होते हैं वो, जो लर्नर होते हैं वो अपने रीजन, स्टेट और कंट्री के को या ग्लोबल उसको रीड करते हैं ग्लोबल कंटेक्स्ट के तौर पे, ठीक है। ये इनिशिएट होता है अपर प्राइमरी स्टेज पर। टू इनिशिएट द लर्नर इनटू अ स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट विथ रेफरेंसेस टू कंटेम्प्रोरी डेवलपमेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस स्टेज में जो बुक होती है हिस्ट्री वगैरह की, जिसमें पास्ट के बारे में बताया जाता है इंडियाज के, और जिसमें रेफरेंस दिया जाता है कंटेम्प्रोरी डेवलपमेंट्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड का, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस द लर्नर टू द फंक्शनिंग एंड डायनेमिक्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस ऑफ द कंट्री। ये जो है सिविक्स का पार्ट होता है, पॉलिटिकल साइंस का दिया जाए कि जो लर्नर होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो प्रोसेस है कंट्री का, पॉलिटिकल प्रोसेस जो होता है, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस, उसकी फंक्शनिंग का, उसके इंस्टीट्यूशन का, वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से डील करता है, उस चीज़ों से बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया जाता है इस एज में, अपर प्राइमरी स्टेज में, जो सोशल साइंस होता है। तो ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। पोजिशन पेपर में जितना भी बताया गया है टीचिंग का रीज़न, वो सारा इम्पॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। एट दिस स्टेज द सब्जेक्ट एरियाज ऑफ द सोशल साइंस ड्राइंग देयर कंटेंट फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। इस स्टेज में जो सोशल साइंस के अंदर बुक रहती है वो होती है हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की एंड इकोनॉमिक्स की। विल बी इंट्रोड्यूस्ड द चाइल्ड मे बी इंट्रोड्यूस साइमल्टेनियसली टू कंटेम्प्रोरी इशूज एंड प्रॉब्लम्स। साथ में जो बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस होती है कंटेम्प्रेरी इशूज प्रॉब्लम का, इम्फेसिस नीड टू बी गिवन टू इशूज लाइक पॉवर्टी, लिटरेसी, चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबर, क्लास, कास्ट, जेंडर एंड इन्वायरमेंट। इन सब चीज़ों से बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया जाता है इनकी बुक में। ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स में टुगेदर हेल्प इन डेवलपिंग अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू इशूज कंसर्निंग इन्वायरमेंट। जो ज्योग्राफी है या इकोनॉमिक्स है, इसमें जो ये दोनों में साथ साथ जो है बच्चे से को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो डेवलपिंग होता है कंट्री का, इन्वायरमेंट का, रिसोर्सेस का, डिफरेंट लेवल के तौर पे उससे इंट्रोड्यूस कराया जाता है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से, जो लोकल से ग्लोबल लेवल तक के लिए। सिमिलरली हिस्ट्री विल बी टॉट इम्फेसाइजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ प्लुरालिटी। द चाइल्ड विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू द फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट्स एंड द एट द लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल्स। अब जो पॉलिटिकल साइंस होती है उसमें बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया जाता है फंक्शंस जो होते हैं लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल्स तक के, एंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द पार्टिसिपेशन। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी से भी बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया जाता है अपर स्टेज में, ठीक है, अपर प्राइमरी स्टेज में। अब देखते हैं आगे। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में किस तरह से बच्चे को किस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया जाता है अपर प्राइमरी स्टेज के बच्चे को। अब आते हैं सेकेंडरी स्टेज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग द सोशल साइंस एट द सेकेंडरी स्टेज आर टू डेवलप अमंग द लर्नर एनालिटिकल एंड कंसेप्चुअल स्किल्स टू इनेबल हिम हर टू। इस जो सेकेंडरी स्टेज पर जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव होता है उसमें बच्चे को डेवलप कराया जाता है एनालिटिकल एंड कंसेप्चुअल स्किल्स के बारे में। अब इसमें देखते हैं कि क्या होता है। हर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट विथ एग्जाम्पल्स फ्रॉम मॉडर्न एंड कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें जो है बच्चों को अंडरस्टैंड कराया जाता है प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, सोशल चेंज के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, एग्जाम्पल के तहत मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया को ध्यान में रखते हुए और वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकली एग्जामाइन सोशल एंड इकोनॉमिक इशूज एंड चैलेंजेस लाइक पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, डिस्टिट्यूशन, ई लिटरेसी एंड वेरियस अदर डायमेंशन ऑफ इनइक्वालिटी। क्रिटिकली बच्चे को
इसके लिए एग्जामिन करते हैं होता है कि किस तरह से पॉवर्टी, इकोनॉमिक इश्यूज एंड चैलेंजेस है, और उसके बाद इलिटरेसी और इन वेरियस अदर डायमेंशन ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में बच्चे इससे अवेयर होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन इन अ डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर सोसाइटी। एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर सोसाइटी में या सेकुलर डेमोक्रेटिक या सेकुलर स्टेट में किस तरह से राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है सिटीजन्स की, उससे बच्चे को अंडरस्टैंड कराया जाता है इस स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज में के सोशल साइंस की बुक में। अंडरस्टैंड द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द स्टेट इन द फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स होती है स्टेट की, स्टेट इन द सेंस यहाँ पे एक कंट्री की बात हो रही है, स्टेट मतलब अलग अलग स्टेट नहीं, ये एक कंट्री की बात हो रही है, कि उससे बच्चे को अवेयर कराया जाता है कि किस तरह से उसकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर को सही तरीके से डील करे। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया इन रिलेशन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड पॉलिटी। अब यहाँ पर है कि बच्चे को इस बात के लिए अवेयर कराना या अंडरस्टैंड कराना कि जो प्रोसेस है चेंजिंग का, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली किस तरह से हुआ, उसके रिलेशन के बारे में बच्चे से को अंडरस्टैंड कराना। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रिसिएशन द राइट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, द जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सब चीज़ों से बच्चे को अप्रिशिएट कराना, अंडरस्टैंड कराना कि जुडिशियल किस तरह से रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से लोकल कम्युनिटीज़ और इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप होते हैं, एज वेल एज द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, और नेचुरल इन्वायरमेंट को किस तरह से कंजर्व करते हैं और उसकी ज़रूरत को किस तरह से पूरा करते हैं और यूज़ करते हैं, उसके बारे में बच्चे को अंडरस्टैंड कराना, मोटिवेट कराना, अप्रिशिएट करना। तो ये सारे पॉइंट जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, ये सब क्वेश्चन में आते हैं सीटेट के। अगर आप एनसीईआरटी का पोजिशन पेपर पढ़ लेंगे तो आपका पेडागोजी में जो 15 का 15 क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही होगा। अब एट द सेकेंडरी स्टेज द सोशल साइंस कंप्राइजेस एलिमेंट्स ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। द मेन फोकस विल बी ऑन कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड द लर्नर विल बी इनिशिएटेड इनटू अ डीपर स्टैंडिंग ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब इसमें कह रहा है फेसिंग द नेशन इन कीपिंग विद द एपिस्टेमेटिक शिफ्ट प्रपोज्ड कंटेम्प्रेरी इंडिया विल बी डिस्कस्ड फ्रॉम द मल्टीपल पर्सपेक्टिव इंक्लूडिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ आदिवासी। अब इस तरह से कंटेम्प्रेरी इंडिया को डील किया जाता है अपन सेकेंडरी स्टेज पे, जिसमें आदिवासी, दलित एंड अदर डिस इनफ्रेंचाइज पॉपुलेशंस एंड एफर्ट शुड बी मेड टू रिलेट द कंटेंट एज मच एज पॉसिबल टू द चिल्ड्रंस एवरीडे लाइफ्स। नेक्स्ट पैराग्राफ में है इन हिस्ट्री द कंट्रीब्यूशंस ऑफ वेरियस सेक्शंस रीजन्स टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल कैन बी स्टडीड एज वेल एज अदर आस्पेक्ट्स ऑफ रिसेंट हिस्ट्री इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। हिस्ट्री में जो कंट्रीब्यूशन है वेरियस सेक्शन में, जैसे इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल में, उन सबसे बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया जाता है इस स्टेज में, और जो रिसेंट हिस्ट्री है डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड के तहत इसको डील किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी शुड बी टाउट कीपिंग इन माइंड द नीड टू इनकलकुलेट इन द चाइल्ड एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन फॉर कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। ज्योग्राफी में इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, उसका कंजर्वेशन के लिए बच्चे को अप्रिशिएट किया जाता है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाता है। पॉलिटिकल साइंस में देखते हैं इन पॉलिटिकल साइंस द फोकस शुड बी ऑन डिस्कसिंग द फिलोसफिकल फाउंडेशन दैट अंडरलाइन द वैल्यू फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब पॉलिटिकल साइंस में इस स्टेज पर, सेकेंडरी स्टेज पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे फ्रेमवर्क के बारे में बताया जाता है। इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, प्लुरालिटी, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लाइटेशन, ये सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। पहले इसका मेन पॉइंट्स हम लोग मेंशन कर लेते हैं। जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें बच्चे को इन डेप्थ बताया जाता है
नाइन्थ में आकर बच्चे के पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है वो पूरे बताए जाते हैं, पूरे प्रियम्बल से बच्चे को अवेयर कराया जाता है। तो इसमें बच्चे पूरे डेप्थ तरीके से इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ब्रदरहुड, जो फ्रेटर्निटी है, फ्रीडम है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन है, चाइल्ड लेबर वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चे को पूरी तरह से इंट्रोड्यूस कराया जाता है ये पॉलिटिकल साइंस में। और ज्योग्राफी में बच्चे को कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में अप्रिशिएट किया जाता है, ये ज्योग्राफी में है हाँ सेकेंडरी लेवल पे। और हिस्ट्री में बच्चे को इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में इस एज में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, मॉडर्न वर्ल्ड और मॉडर्न इंडिया। ठीक है, ये सब के सब हो गए। एज द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग इंट्रोड्यूस टू द चाइल्ड एट दिस लेवल। ठीक है, नाइन्थ क्लास से बच्चे को इकोनॉमिक्स का इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि सेकेंडरी स्टेज है। इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस होते हैं नाइन्थ क्लास से, सेकेंडरी स्टेज से, टू द चाइल्ड एट दिस लेवल। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द टॉपिक डिस्कस्ड शुड बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मासेस। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्कशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट शुड नो लॉन्गर बी अंडरटेकन इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बट इंस्टेड शुड डेराइव फ्राम एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इलिटिस्ट फंक्शनिंग ऑफ मेनी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एंड द इनइक्वालिटी सस्टेन्ड बाई इकोनॉमिक रिलेशन। इस तरह से बच्चे को ये इंट्रोड्यूस कराया जाता है स्टैटिक्स के तौर पर, डेटा वगैरह इसमें इकोनॉमिक्स में बच्चे को पॉवर्टी का डेटा वगैरह दिखाकर, इलिट्रेशन का डेटा दिखाकर इस तरह से इकोनॉमिक्स डील किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऑल्सो गिवन विद दिस स्टेज, दिस इज़ द स्टेज एट विच चॉइसेस आर मेड अबाउट विच डिसिप्लिन्स टू परस्यू फॉर फर्दर स्टडी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट स्टूडेंट्स बी इंट्रोड्यूस टू द नेचर, स्कोप एंड मेथड्स ऑफ ईच ऑफ दिस डिसिप्लिन्स। नीडलेस टू से द लेटर शुड नॉट ओवरलोड स्टूडेंट्स विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बट इंस्टेड शुड एक्सप्लेन टू देम वॉट द फ्यूचर स्टडी ऑफ द डिसिप्लिन माइट होल्ड टू स्टोर एंड लिंक दिस पॉइंट्स टू द क्रिएशन ऑफ डिज़ायरेबल स्किल्स। तो ये लास्ट पैराग्राफ में ऐसा कुछ है नहीं जो इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट था आप लोगों को बता दिया। और ये यहाँ पर छूट गया है मार्क करना, जो कि है मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, आदिवासी, दलित एंड एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, सेकेंडरी स्टेज तक पढ़ते हैं। ठीक है, कल की फिर वीडियो लेकर आएंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग हायर सेकेंडरी स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। और भी इसमें बहुत कुछ है, कितना बचा हुआ ये देख लेते हैं। अप्रोचेस ऑफ टीचिंग भी पढ़ेंगे उसके बाद, पहले हायर सेकेंडरी स्टेज पढ़ लेते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।